हेलो दोस्तों, आज हम ये फ्रीजर का चिल्लर कंप्रेसर फिटिंग करेंगे। इसका मैकेनिकल काम होना था, स्टार्ट करते हैं। चलो फिटिंग करना है। सर सामने थ्रेड पार्सल है इसके, हमने तीन पिस्टनें फिट करके रख ली हैं। ये जो चौथी पिस्टन है ये आपको दिखाने के लिए हमने फिट नहीं करी है, अभी इसे फिट करेंगे। ये इसकी कनेक्टिंग रोड है, अभी हम पिस्टन खोल रहे हैं। पिस्टन के बॉक्स में हमें गजन पिन भी मिलती है और दो लॉक मिलते हैं जो इसको लॉक करने के लिए होते हैं, गजन पिन को कनेक्टिंग रोड डालने के बाद। ये पिस्टन है, देख सकते हैं आप, ये इसका जो कटिंग वाला एरिया है, ये वाल चलेंगे यहाँ पे, इस पर कॉलर बना हुआ है वो अभी हम फिट करेंगे तो पता चलेगा आपको। ये हमने इसमें कनेक्टिंग रॉड फिट कर दिए। लॉक लगाएंगे हम, ये हमारी गजन पिन को लॉक करने के लिए है। पिस्टन रिंग जो है वो बाद में लगाएंगे, हम बाद में ही लगेंगे इसमें। अगर हम रिंग पहले लगा देंगे तो ये पिस्टन हमारा उसमें बैठेगा नहीं। ये हमें अंदर की साइड से पिस्टन डालना पड़ता है, उसके बाद इसमें रिंग डालने पड़ते हैं हम लोगों को। ये चारों पिस्टन हमने कंप्लीट करके रख दिए हैं, खाली इन पर जो है अभी पिस्टन रिंग नहीं लगाए हैं। पहले हम कंप्रेसर में डालेंगे, उसके बाद पिस्टन रिंग लगाएंगे। ये आप इसका कॉलर देख लें ध्यान से, जिधर इसका कॉलर बैठेगा ये नंबर वाई नंबर पिस्टन आएगी उधर ही, और कॉलर डिफरेंट है तो इसके जो बाल के पत्ते हैं वो टकरा जाएंगे, पिस्टन उनमें जाके टकराएगी। पिस्टन में जो कॉलर है ऐसे ही हमारे कंप्रेसर में भी कॉलर है, दिख रहा होगा आपको। अभी हमने ये पिस्टन फिट कर दिए, अब हम रिंग लगाएंगे इसके अंदर। थोड़ी पिस्टन बाहर निकालनी पड़ती है, पिस्टन बाहर निकाल के हमें रिंग लगा देनी, जब हम रिंग लगा देंगे तो फिर पिस्टन हमें अंदर कर देंगे। जब हम पिस्टन अंदर कर देंगे, जब क्रैंक लगाएंगे तो फिटिंग करते टाइम ऑयल लगाएं, और ऑयल जो है कंप्रेसर ऑयल ही लगाएं लाइनर में। ये इसके रिंग हैं, चार टॉप के हैं, चार सेकंड है इसके। चार रिंग जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं, तो सेकंड में आएंगे। टॉप पे जो है वो स्टील के कलर का जो है वो आएगा, थोड़ा उसमें चेंज है। रिंग लगाते टाइम इस बात का ख्याल रखें दोनों रिंग के जो कटिंग एरिया है वो एक ही साइड में नहीं आए, डिफरेंट आना चाहिए। अभी हमने रिंग लगा दिए हैं,
अब हम रिंग लाइनर में डाल देंगे। रिंग फिट करने के बाद फिर हम पिस्टन लगाएंगे। इसमें कनेक्टिंग रोड जो है वो टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारे दूसरे कंप्रेसर में कनेक्टिंग रोड आप आती है नट बोल्टों से टाइट होती है, इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। रिंग बिठाने के बाद हम क्रैंक डाल सकते हैं। अभी हम अच्छे तरीके से रिंग बिठा लें, उसके बाद क्रैंक डाल के दिखाएंगे आपको। ये थोड़ा रिंग फंस गया था हमारा, दोबारा हम फिट करेंगे इसको। इस कंप्रेसर में चार पिस्टनें हैं, 15 HP का स्टेटर वाइंडिंग है इसका, यानी कि वाइंडिंग जो है वो 15 HP की है। 15 HP का ये कंप्रेसर है। किसी भाई को अगर इसका वाइंडिंग डाटा चाहिए तो वाइंडिंग डाटा भी है, कमेंट कर सकते पूछ सकता है हमसे वो। और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कमेंट करके पूछ सकता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और बने रहें अभी हमारे साथ। और भी कंप्रेसर के बारे में किसी को जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकता है, कमेंट करके पूछ सकता है जिस भाई को भी कोई जानकारी चाहिए तो। ये अब हमने लगा दिया है, अब हम इसमें क्रैंक डाल लें। क्रैंक आसानी से डल जाती है इसमें, बस आपको जो है इसकी डायरेक्शन सही रखनी है, पिस्टन की जो कनेक्टिंग रोड है उसकी डायरेक्शन सही रखेंगे आप तो वो आसानी से बहुत इजीली आ जाती है। ये क्रैंक को डालने में ज़्यादा टेंशन नहीं है, ये जो है कुछ कंप्रेसर में ऑयल पंप आता है तो इसमें ऑयल पंप नहीं दिया है, ऑयल पंप की जगह ये प्लेट लगा दी है ताकि ये ऑयल जो है RPM पे लेके जाएगा और उसमें सर्कुलेशन करेगा। इसकी जो ऊपर प्लेट है इसमें एक उन्होंने कलर बना के दिया है, ये ऑयल वहाँ पे रखेगा, ये टॉप जिधर है उस साइड में। जब ये RPM पे घूमेगा तो स्पीड से आपको पता ही है उसका जो प्लेट है वो मोबिल उठा के चारों तरफ को देगा। ये इसका वाइंडिंग है, देख सकते हैं 15 HP का वाइंडिंग है इसका। ये बूस है, रोटर लगाने से पहले आप इस बूस को लगा लें। इसके नीचे भी एक थ्रेड मार्शल है और वो होना ज़रूरी है, लाजमी है। अगर वो नहीं है तो आपका ये रोटर जब टाइट करेंगे तो टाइट हो जाएगा, जैसे हम लॉक नट टाइट करेंगे तो। और रोटर लगाने से पहले थोड़ा ऑयल लगा लें ताकि अच्छे तरीके से रोटर हमारा फिट हो जाए, हमें की का सेंटर लगाने में कोई मसला नहीं रहे, दिक्कत नहीं आए। देख सकते हैं हमने रोटर लगा दिया है, आसानी से रोटर घूम रहा है। अब की लगा के और लॉक नट लगा दें। लॉक नट पे लाजमी सुपर ग्लू या फेविक्विक ज़रूर लगा लें ताकि अगर हमारा कंप्रेसर उल्टा भी, अगर रोटेशन उल्टे भी रहते हैं तो ये काम करेगा दोनों तरफ, सीधा भी काम करेगा और उल्टा भी, अगर किसी भी साइड को चलेगा तो ये काम करेगा, कूलिंग देगा और तब कंप्रेस करेगा। तो इसलिए लॉक नट पर फेविक्विक लगा के लॉक नट लगाएं ताकि अगर रोटेशन उल्टे भी हों तो ये हमारा जो है नट नहीं खुले, लॉक नट जो है। ये 220 वोल्ट में डेल्टे में चलेगा। अभी हम इसको घुमा के देख रहे हैं, बहुत स्मूथ घूम रहा है। हेड लगाएंगे इसके, हेड लगा के उसके बाद इसको रनिंग करेंगे, देखेंगे इसके कितने एम्पियर हैं। हेड लगाने से पहले एक पैकिंग लगाएं, वाल अच्छे तरीके से चेक कर लें इसके,
हेड लगाने से पहले। अगर कोई वाल्व ख़राब है आपका तो उसे चेंज कर सकते हैं, चेंज करके ही लगाएं। एक पैकिंग इसकी हेड प्लेट के ऊपर से आएगा, फिर उसके बाद हेड आएगा। ये पैकिंग हेड प्लेट का है, जो प्लेट में वाल्व चलते हैं हमारे। और कंप्रेसर जब आप फिटिंग करें तो नट बोल्ट जो हैं वो टॉर्क करें, बगैर टॉर्क के ना करें, ताकि कोई नट बोल्ट ज़्यादा टाइट ना हो, कोई ज़्यादा कोई कम, तो उसमें लीकेज होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टाइट करेंगे अब हम, इसके 4 वोल्ट जो हैं छोटे नीचे की साइड में वो छोटे होते हैं, ऊपर की साइड में 4 वोल्ट बड़े होते हैं। इस पर लिखा भी है, देख सकते हैं LPHP यानी कि हाई प्रेशर लो प्रेशर, कौन सी पिस्टन हाई प्रेशर कौन सी प्रेशर पिस्टन लो प्रेशर दिखाएगी, उधर लिखा है। टॉर्क करेंगे हम इसको, टॉर्क करने के बाद फिर इसका जो हमारा पिछला कवर है बाइंडिंग कवर, बाइंडिंग का कवर लगाएंगे, उसे भी टॉर्क करेंगे। नट बोल्ट जो भी है आप टॉर्क करके ही लगाएं इसमें, अगर छोटे से छोटा भी बोल्ट है ना तो भी टॉर्क करें। टॉर्क कर रहे हैं हम, इधर का हेड तो हमारा टॉर्क हो गया है, दूसरा हेड जो है हम टॉर्क करेंगे। और जब गैसकेट आप लगाएं तो गैसकेट पर थोड़ा ऑयल ज़रूर लगा लें, ताकि सूखा ना रहे गैसकेट। अगर गैसकेट हमारा थोड़ा ऑयल होता है तो वो अच्छे से बैठ जाता है, पकड़ भी अच्छे से कर लेता है, उसकी लीकेज होने के जो चांस हैं वो कम रहते हैं। और अगर हमारा गैसकेट पर ऑयल नहीं लगाते हैं, मगर सूखा ऐसी ऑयल गैसकेट लगाते हैं तो थोड़ा उसको पकड़ने में मसला है, दिक्कत आती है, लीकेज होने के भी चांस रहते हैं। और ग्रीस ना लगाएं इसके हेड पे, इसके हेड पे अगर ऑयल लगाना है जहाँ भी लगाना है तो आपका इसी का ऑयल लगाना है, कंप्रेसर ऑयल। ये कनेक्शन प्लेट है इसकी, इसके भी नट बोल्ट हम टॉर्क ही करेंगे, पैकिंग डाल के इसका पैकिंग चेंज कर रहे हैं। पैकिंग तो अच्छा था, मगर फिर भी हम जब हमारे किट में आया तो हम पैकिंग चेंज कर ही देते हैं। LL की वोल्ट होते हैं इसका जो टर्मिनल प्लेट होती है, अधिकतर LL की ही वोल्ट आते हैं टर्मिनल प्लेट में। इसे भी टॉर्क करेंगे हम, कोई भी बोल्ट हमारा बिगड़ टॉर्क का नहीं है, सब बोल्ट टॉर्क ही होंगे। टॉर्क करने के बाद ही इसको रनिंग करेंगे हम।
बैक साइड का कवर लगाएंगे इसका, बाइंडिंग की साइड का, बाइंडिंग साइड का कवर लगा के फिर ऑयल लगाएंगे इसमें। ऑयल डालने के बाद फिर रनिंग करेंगे इसको। और भी कंप्रेसर की वीडियो हैं डिसमेंटल करने की, कैसे करते हैं डिसमेंटल, असेंबल करने की, असेंबल कैसे करते हैं, चैनल पर जाकर विजिट करें और देखें। अब ऑयल डाल रहे हैं हम, ये ऑयल डालने का पंप आता है, आसानी से इससे ऑयल डल जाता है हमारा, 4GS ऑयल है ये, ऑयल का नंबर 4GS। 90% ऑयल रखें ताकि आपका ऑयल जो है वाइंडिंग में भी चला जाता है। अभी रनिंग करेंगे, देखेंगे कितने एम्पियर हैं। 220 वोल्ट में 23 एम्पियर यानी कि 23 एम्पियर है। प्रेशर देखेंगे इसका, प्रेशर कैसा है, प्रेशर अच्छा है, मैकेनिकल का जो साउंड है वो भी नहीं है। और आगे जो रेड कलर का वायर है ना, ये हीटर का वायर है, इसमें हीटर लगा होता है। किसी भाई को अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।